पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस। ठीक है, इसमें लिखिए थ्योरम, थ्योरम करके लिखिएगा एज ए क्वेश्चन ग्रुप में कैसे आता है। लिखिए इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी, इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, एंड जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, आर ई टू द पावर आई थीटा, वेयर यू कमा भी कमा आर कमा थीटा, वेयर यू कमा भी कमा आर कमा थीटा आर ए आर ई आर आल रियल, ए डबल एल आर आल रियल हो गया, आर आल रियल। शो डैट एस एच ओ डब्ल्यू शो डैट द कॉची रीमान इक्वेशंस आर, शो डैट द कॉची रीमान इक्वेशंस आर डेभा यू अपान डेभा आर इज इक्वल टू वन अपान आर डेभा भी अपान डेभा थीटा एंड डेभा भी अपान डेभा आर इज इक्वल टू माइनस का वन अपान आर डेभा यू अपान डेभा थीटा। ठीक है, डेभा यू अपान डेभा आर इज इक्वल टू वन अपान आर डेभा भी अपान डेभा थीटा एंड डेभा भी अपान डेभा आर इज इक्वल टू माइनस का वन अपान आर डेभा यू अपान डेभा थीटा। ठीक है, हो गया, आर करके लिखिए ओ आर, इसी स्टेटमेंट को आर करके लिखिएगा। टू डिराइव द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, टू डिराइव द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी टीओ, फॉर एफ जेड टू बी, फॉर एफ जेड टू बी इन पोलर क्वारिनेट्स, फॉर एफ जेड टू बी इन पोलर क्वारिनेट्स, इन पोलर क्वारिनेट्स। ठीक है, ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉची रीमान इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कर लिया, ux बराबर vy, uy बराबर माइनस का vx। ठीक है, और इसको पोलर फॉर्म में करना है, यानी जो पोलर फॉर्म में करना है तो आप जानते हैं z बराबर क्या होता है, z बराबर क्या होता है x plus i by y। तो अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप पुट क्या कर देते हैं, x बराबर r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा, इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा, देन जेड बराबर आपको मिल जाएगा आर कॉस थीटा और प्लस आर कॉमन हो जाएगा आई साइन थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा आर ई टू दी पावर आई थीटा, ये मिल जाएगा जेड बराबर। ठीक, अब हमारे पास है एफ जेड, सिंस ओमेगा बराबर डब्ल्यू बोले इसको एफ जेड और बराबर यू प्लस आई भी होता है, यू प्लस आई भी है ना, या इसको हम ऐसे लिख दें यू प्लस आई भी इज इक्वल टू एफ जेड और जो एफ जेड है जेड के स्थान पे आर इन दी पावर आई थी यू प्लस आई भी इज इक्वल टू लिख दें है ना एफ आर इन दी पावर आई थी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी को हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स नहीं आर और थीटा है ना, यही ना आपके पास है, विथ रिस्पेक्ट टू R एंड थीटा रेस्पेक्टिवली, एक बार R के रेस्पेक्ट में करिए एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में, पार्शियली होगी। ध्यान दीजिए, अगर हम R के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेभा U अपान डेभा R प्लस I डेभा V अपान डेभा R, ये हो जाएगा बोलिएगा, और इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, अब इसको आर के संदर्भ करेंगे तो यफ, अब आर के लिए यफ फंक्शन यफ डैश हो जाएगा है ना, और पूरा लिखेंगे आर ई टू द पावर आई थीटा, ये हो जाएगा इस तरीके से है ना, और फिर आर ई टू द पावर आई थीटा का करेंगे तो ई टू द पावर आई थीटा इससे बाहर और आर हो जाएगा वन, बोलिएगा यही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, एंड दूसरा देखिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, देवा यू अपान देवा थीटा
और प्लस का आई और देखा बी अपान देखा थीटा है ना। तो अब क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब यहाँ मिल जाएगा आपको फिर उसी अकॉर्डिंग अब डैश आर इंटू दी पावर आई थीटा है ना। तो अब आर तो आपका बाहर हो जाएगा और पूरा पूरा वही आ जाएगा आर इंटू दी पावर आई थीटा आ जाएगा अच्छा आई आई भी बाहर आई है ना इनका आई जाएगा जो है आई बाहर हो जाएगा इस तरीके से ये हो गया ठीक है। अब इक्वेशन नंबर टू कर दिया इसको, इसको थ्री कर दिया तो सबसे सिंपल वे है ये पोलर फॉर्म में प्रूव करने का भाई। अब देखिए अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। चलिए देखिए यहाँ पे जो डेवा यू अपॉन डेवा थीटा प्लस का आई डेवा वी बाई डेवा थीटा है, अगर मैं इसके इज इक्वल टू अब जो एफ डैश देखो ध्यान से एफ डैश आर टू पावर आई थीटा और ई टू पावर आई थीटा इस पूरे के स्थान पे ये लिख देते हैं और आई आर बच जाएगा, आई आर बच जाएगा और यहाँ जाएगा डेवा यू अपान डेवा आर और प्लस का आई डेवा बी अपान डेवा आर ये हो जाएगा। अब आई आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, डेवा यू अपान डेवा थीटा प्लस का आई डेवा बी अपान डेवा थीटा आई आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिल जाएगा आई आर डेवा यू अपान डेवा आर और यह आई और आई आई इस बार माइनस तो माइनस का आर डेवा बी अपान डेवा आर। अब इक्वेट कर लीजिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स है ना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलिए इक्वेट कर लीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट कौन है डेवा यू अपॉन डेवा थीटा है ना इज इक्वल टू माइनस का आर डेवा बी अपॉन डेवा एंड और इमेजिनरी पार्ट्स को तो इसको मिलेगा डेवा बी अपॉन डेवा थीटा है ना इज इक्वल टू आर डेवा यू अपॉन डेवा आर या इसको लिख सकते हैं डेवा यू अपॉन डेवा आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर देवा भी अपान देवा बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा है ना यही देवा यू अपान देवा पहले लीजिए वन अपान आर देवा भी अपान देवा थीटा एंड दूसरा वाला फॉर्म क्या है देवा यू अपान देवा थीटा है ना इज इक्वल टू माइनस का आर देवा भी अपान देवा आर। ये है आपका कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए और प्रूफ भी आपको आना चाहिए नोट कर लीजिए इससे आपको। देखिए हेडिंग करिएगा इसमें हेडिंग भी करिएगा, हेडिंग करके क्वेश्चन भी लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इन पोलर फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इन पोलर फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इन पोलर फॉर्म ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इन पोलर फॉर्म ठीक है। लिखिए डैश लिखिए टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट आपको ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू यू टू दी पावर माइनस का आई थीटा डेभा डब्ल्यू बाई डेभा आर एंड इज इक्वल माइनस का आई बाई आर यू टू दी पावर माइनस का आई थीटा और डेभा डब्ल्यू बाई डेभा थीटा ये आपको रिजल्ट प्रूफ करने हैं ठीक है, ये रिजल्ट आपको प्रूफ करने हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, क्या चीजें करनी है आपको ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, सबसे पहले देखिए चीज यहाँ पे है कि है ना ये सब देखो रिजल्ट्स अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो टॉपिक अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अब चूंकि ऑप्शनल वाली एमसीक्यू वाली बातें हैं तो यहाँ पे हमें हर फॉर्म दिमाग में होना चाहिए, कोई भी बना के दे सकता है ऐसे। तो W का अगर विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो डेरिवेटिव आएगा वो R के टर्म में A आएगा और थीटा के टर्म में A आएगा ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद भी होना चाहिए, याद तक करने दो तीन बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली चार ऑप्शन रहेंगे तो आप टिक कर लेंगे, कोई बहुत विशेष दिक्कतें नहीं आनी चाहिए आपको है ना। फिर भी आप देखिए कैसे इसको करते हैं, कैसे प्रूफ करें, क्या चीजें कैसे होगी ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि कुछ चीजें हम जानते हैं तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। x इक्वल टू आप जानते हैं r cos थीटा होता है, y इज इक्वल टू आप जानते हैं r sin थीटा होता है, आप ये भी जानते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, और आप ये भी जानते हैं मैं डिवाइड कर दूं y इक्वल टू r sin थीटा को x इज इक्वल टू r cos थीटा से तो आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय r, इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा ठीक।
और आप साथ में ये भी जानते हैं सिंस कॉची सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, अभी आपको पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशन को ड्राइव कराया गया, क्या मिला बताइए, डेवा यू अपॉन डेवा आर क्या मिला, वन बाई आर डेवा भी अपॉन डेवा थीटा, और डेवा भी अपॉन डेवा आर इक्वल टू क्या मिला माइनस पावर अपॉन आर डेवा यू अपॉन डेवा थीटा। देखो इस फॉर्म में याद करना थोड़ा आसान है, है ना, कि दोनों का आर के रिस्पेक्ट में डेवा यू अपॉन डेवा आर और डेवा भी अपॉन डेवा, अगर आप ऐसे उसको करेंगे याद कि डेवा यू अपॉन डेवा आर और फिर उस पर डेवा यू अपॉन डेवा थीटा के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। इसका याद करने का सिंपल तरीका यही है कि आप डेवा यू अपॉन डेवा आर और डेवा भी अपॉन दोनों का आर के रिस्पेक्ट में याद करें, तो डेवा यू अपॉन आर जब ऐसे करेंगे आप दोनों में वन अपॉन वन अपॉन आर आएगा, है ना, और जब बात भी की आएगी बस निगेटिव हो जाएगा, है ना, और तो चीजें जो है वो तो ऑटोमेटिकली अपसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आसानी से दिमाग बन सकता है, ठीक है, ये सब कुछ चीजें हमें पता है। अब आते हैं हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सिंस W बराबर होता है बेटा FZ W मतलब FZ को ही W से लिखते हैं और यह होता है U प्लस IV, मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो U इज द फंक्शन ऑफ X कमा वाई और प्लस I इज आल्सो द फंक्शन ऑफ सॉरी I इंटू V इज आल्सो द फंक्शन ऑफ X कमा वाई, यह होता है इस तरीके से। अब मुझे इस W को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Z, विद रिस्पेक्ट टू Z, और जो Z है जेड जो है वो एक्स प्लस आई है, जेड इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, तो ऐसी स्थिति मालूम है, ऐसी स्थिति में बता दूं आप लोगों को जब भी डब्ल्यू को जेड के रिस्पेक्ट में करना होता है ना तो ये जान लीजिए कि आपको किसी एक के रिस्पेक्ट में करना होगा, मेरी बात समझ में आ रही है ना, चाहे आप कर लीजिए डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा एक्स निकाल लीजिए आप, बात समझ में आई, और चाहे डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा वाई करके निकालिए आप, इसको कैसे करेंगे तो क्या तरीका होगा, इसमें डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा आर क्योंकि एक्स देखो अभी दिखाया है यहाँ पे है ना, डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा आर और फिर डेवा आर अपॉन डेवा एक्स, इसको ऐसे लिखिए और प्लस है ना प्लस डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा और डेवा थीटा अपॉन डेवा एक्स, ऐसे करेंगे टोटल के रूप में तब जाके आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है यार डब्ल्यू जो है वो यूवी का फंक्शन, यू भी जो है एक्स वाई का फंक्शन, या ऐसे समझिए आप डब्ल्यू को जेड के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो, जेड ऑलरेडी एक्स वाई का फंक्शन है, बस मैं और एक्स वाई भी एक्स भी आर थीटा का फंक्शन है, वाई भी आर थीटा का फंक्शन है, तो टोटल से ही ऐसा टोटल में ही होता है, टोटल से आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई करिए, लेकिन उसके बाद की कहानी यही होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा आर डेवा आर अपॉन डेवा वाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में करना है, जेड ऑलरेडी एक्स वाई का फंक्शन है, तो ऐसे केस में है ना पार्शियली किसी एक के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है ना, कभी बहुत कंप्लीशन यूज किया जाता है, चलिए यहाँ पे आते हैं, अब देखिए हमें क्या क्या अब करना क्या है, क्या टेक्निक हमको लगानी है यहाँ पे, देखो हमारा जो प्रूफ है ना पहले वाले प्रूफ को भी देखना है, पहले वाले प्रूफ में डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा आर है, दूसरे में डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको दो बार है ना दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, एक बार इस फॉर्म में एक बार इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाओगे तो इसको डिस्टर्ब मत करिएगा, अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो इसको डिस्टर्ब मत करिएगा, इसको रखना है हमको मसल मालिक, अच्छा आप क्या करेंगे, चलिए पहले फॉर्म की तरफ है ना कंटिन्यू करते हैं, तो पहले फॉर्म की तरफ कंटिन्यू करोगे तो पहले हम बात करते हैं डेवा आर अपॉन डेवा एक्स की वैल्यू, तो डेवा आर अपॉन डेवा एक्स की वैल्यू कितनी होगी कौन बताएगा, बोले डेवा आर अपॉन डेवा एक्स की वैल्यू कितनी होगी पार्शियली आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, अब देखो यहां पे बोले देता हूं सिंस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक्स है ना, तो 2r डेवा r अपॉन डेवा y कैसे लिखा जाता है इक्वल टू 2x है ना, सर तो आप वेक्टर कैलकुलस में पढ़े हैं सर, यहां से मिल जाएगा आपको r अपॉन डेवा x है ना, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं इज इक्वल टू x / r, और मैं x / r को भी लिखूं x / r इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा x / r इज इक्वल टू cos थीटा है ना, ये आपको मिल गया, ठीक है आगे देखिए हमको और क्या चाहिए, हमको चाहिए डेवा थीटा अपॉन डेवा एक्स, अब बेटा डेवा थीटा अपॉन डेवा एक्स ही तो आइए यहाँ पे, क्योंकि थीटा बराबर टैन इनवर्स वाई बाई एक्स है ना, हमको निकालना है
डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स पार्शियली टैन इनवर्स, तो पहले टैन इनवर्स इसको पूरा एक्स मानेंगे, टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मतलब वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू फिर वाई बाय एक्स का करेंगे तो वाई का ऐसे ही पड़ा रहेगा है ना, 1 अपॉन एक्स का करेंगे माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलिएगा ये हो गया। अब देखो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर जो एलसीएम जाएगा है ना वो जाएगा ऊपर कैंसिल कर देगा, तो क्या मिल जाएगा आपको इस तरीके से, तो कैंसिल करके आपको मिलेगा माइनस का वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो अब माइनस का वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कर दिया, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है ना, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रख देंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस का साइन थीटा अपान आर, ये मिल गया आपको डेवा थीटा अपान डेवा एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अपने दिमाग में ये भी आना चाहिए कि क्यों मैं उसको कॉस थीटा साइन थीटा में लेके जा रहा हूँ है ना, क्योंकि जो और प्रूव करना है वो आई थीटा वाला फॉर्म है माइनस आई थीटा वाला फॉर्म है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है ना, उस रूप में ही जाएगा तभी काम बनने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या होने वाला है, यह हो गया अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू आते हैं और प्लस का प्लस उसके बाद देवा डब्लू अपान देवा थीटा है ना, अब देखो अब देवा डब्लू अपान देवा थीटा पहले फॉर्म को लाना है तो हटाना है हमको, तो डेवा डब्लू अपान डेवा मालूम क्या मालूम है, देखो डेवा यू अपान डेवा थीटा और प्लस का आई डेवा भी अपान डेवा थीटा, समझ में आ रही है, डेवा डब्लू अपान डेवा थीटा क्या लिखेंगे, डेवा यू अपान डेवा थीटा प्लस का आई डेवा भी अपान डेवा थीटा, कैसे डब्लू बराबर यू प्लस आई भी यू प्लस आई भी, तो डब्लू के रिस्पेक्ट में थीटा पार्शियली करना है तो यू और भी को पार्शियली करने का काम करता है ना, क्योंकि देखो हमको लाना क्या है उसको ध्यान में रखना है टारगेट है ना इनटू, और उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा बाय आर ये हमारे पास हो गया, क्लियर सबको, माइनस का साइन थीटा बाय आर। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला है, अब यहां से मिल जाएगा आपको इसको कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं है, कॉस थीटा डेवा डब्लू अपान डेवा आर माइनस अब डेवा यू अपान डेवा थीटा है ना, अब देख डेवा यू अपान डेवा थीटा कैसे निकालेंगे आप, तो है ना अब इसको यहां से निकालिए है ना, इसको यहां से निकाल सकते हैं, अच्छा यहां से जब निकालेंगे डेवा यू अपान डेवा थीटा को तो मिलेगा माइनस का आर डेवा भी अपान डेवा आर, लेकिन डेवा भी अपान डेवा आर मिल सकता है आपको हटाना है डेवा भी अपान डेवा आर ना, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इस चीज को, इसकी वैल्यू कहां से निकल के आएगी, बोलिए देवा यू अगर मैं इक्वेशन का यूज कर दूं तो कर देते पहले आर लेके जाते हैं है ना, सबको आर लेके जाइए, अच्छा आर क्यों लेके जाएंगे उसका रीजन समझो यहाँ पे, सबको पहले हम यहाँ से इस सीआर इक्वेशन जो पोलर फॉर्म है वहां से हम सबको जो थीटा वाला टर्म है दोनों इनको हम आर में लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं क्योंकि हमें डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा आर एज ए कॉमन चाहिए, मेरी समझ में आ रही है ना, तो कॉमन कब होगा, डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा आर का मतलब क्या हुआ, डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा आर का मतलब ये हुआ कि हमको इस वाले टर्म से ये चीज चाहिए क्या, डेवा यू अपॉन डेवा आर और प्लस का आई डेवा भी अपॉन डेवा थीटा, जब इस टर्म से ये चीज मिलेगा तब उसी को लिखेंगे डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा आर, तब कॉमन होके आएगा और कॉमन होने के बाद फिर हमको ये बचना चाहिए, बात समझ आ रही है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म से हम इस डेवा यू अपॉन डेवा थीटा डेवा बी अपॉन डेवा थीटा को आर के टर्म लेके जाते हैं, डेवा यू अपॉन डेवा थीटा यहां तक निकालोगे माइनस का आर डेवा बी अपॉन डेवा आर, क्लियर है, फिर प्लस आई और डेवा बी अपॉन डेवा थीटा को आर डेवा यू अपॉन डेवा आर, क्लियर है इस तरीके से, और आगे क्या है साइन थीटा अपान आर, ठीक है साइन थीटा अपान आर, तो अब देखिए क्या होगा, हाँ आर को अंदर ले लेते हैं, आर को अंदर ले लेते हैं, जब आर को आप अंदर ले लोगे तो क्या मिलने वाला है कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा कॉस थीटा डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर है ना, माइनस साइन को भी अंदर ले लेते हैं है ना,
और आर को भी पूरा मल्टीप्लाई चलो कर देते हैं, बस समझ लिए, से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीएफ प्लस हो जाएगा, आर से आर कैंसिल जाएगा और डेवा भी अपान डेवा आर साइन थीटा, बस समझ रही है, कि माइनस का आई हो जाएगा और आर से आर कट जाएगा है ना, और डेवा यू अपान डेवा आर साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है ना। अब वो क्या मिलने वाला है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर, ठीक है बेटा, और उसके बाद प्लस का प्लस दोनों में साइन थीटा कॉमन कर ले है ना, मेरे माइनस प्लस गड़बड़ है क्या भाई, मेरे माइनस प्लस गड़बड़ है, कहां गड़बड़ है मिलाइए, क्योंकि देखो हमारे कॉमन करने पर जब साइन थीटा कॉमन करें, जब साइन थीटा कॉमन करें तो आई पहले आई चलो कॉमन करते हैं, एक काम और करते हैं बेटा, ये जो माइनस है ना एक काम हमें यहाँ पर सेट करते हैं, देखो ऐसे इसको लिख दीजिए ऐसे, ये जो चीज है वहाँ पे माइनस साइन थीटा पाई आर है तो वहाँ पे माइनस है, कहाँ पे, हाँ सर वहाँ यहाँ जो मल्टीप्लाई किया वो आगे बढ़ गया, प्लस आगे हो गया, आगे हो गया, देखो ठीक है ना, अब बताओ क्या करना है, बता रहा हूँ सुनिए, यहाँ पे ये जो प्लस प्लस है ना यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस और भी आई स्क्वायर के साथ, कोई दिक्कत है क्या, प्लस हो जाएगा ना, अब देखो डेवा भी अपान डेवा आर और साइन थीटा और माइनस का आई और डेवा यू अपान डेवा आर साइन थीटा, क्लियर है सबको, अब ध्यान दो यहाँ पे कॉस थीटा और डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर, अब देखो दोनों में से कॉमन कर लीजिए माइनस का आई, माइनस का आई कॉमन करिएगा तो माइनस का आई मैंने कॉमन कर लिया, अब दोनों प्लस हो जाएंगे है ना, तो माइनस का आई कॉमन करिए और साइन थीटा भी कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा डेवा यू अपान डेवा आर, यहां वाले टर्म से पहले, ठीक है ना, फिर यहां से माइनस आई कॉमन किए तो प्लस एक आई बचा है अभी और डेवा भी अपान डेवा आर और दोनों में से साइन थीटा भी कॉमन किया, क्लियर है, अब यहां लिखूंगा कॉस थीटा, कॉस थीटा डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर और माइनस का आई और ये जो है ये आपका फिर अगेन डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर बन गया और ये साइन थीटा, अब डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर कॉमन कर लेंगे तो कॉस थीटा और माइनस का आई साइन थीटा और डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा ई टू दी पावर माइनस का आई थीटा डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर, एक मिल गया आपको मतलब डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू मिल गया माइनस सॉरी प्लस e टू दी पावर माइनस का आई थीटा डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर, ये डेरिवेटिव, ठीक है, अभी एक काम फिर से बात इक्वेशन ऑफ फर्स्ट को अगेन आप लेके जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू है ना, इसी इक्वेशन में छोड़िए इसी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट को, अब इसको हम चेंज करेंगे इसको जो करते हो रखेंगे, इसमें क्या कहते हैं डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर को डिस्टर्ब नहीं किए है ना, खाली डेवा डब्ल्यू अपान डेवा थीटा को हटाए हम लोग, अब अगले वाले फॉर्म को लाने के लिए डेवा डब्ल्यू अपान डेवा थीटा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर को थीटा के रूप में लेके जाएंगे लास्ट में काम करने के रूप में है ना, कर लीजिए इसको उसको बता देता हूँ पढ़ाइए मैं, तो ये देखिए डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया है, रिटन एग्जाम में भी एक आध बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट एक बार पूछा गया है, तो रिटन के लिए ध्यान में रखते बता रहे हैं आपको इस तरीके से, अदरवाइज आपको जो एम सी क्यू वाले हैं उनको तो खाली रिजल्ट फोकस करना है। अब उसी इक्वेशन फर्स्ट से अब पुनः लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, अब फिर से लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपका अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन जो फर्स्ट है वो कैसे लिखेंगे आप ध्यान दीजिए, आप इधर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक इक्वेशन फर्स्ट है, अब हमको लाना है इस फॉर्म में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे अब लिखेंगे डेवा आर अपान डेवा एक्स की वैल्यू वो तो कॉस थीटा आ गई है ना, तो कॉस थीटा है और जो डेवा डब्ल्यू अपान डेवा आर है उसको लिखेंगे डेवा यू अपान डेवा आर प्लस का आई डेवा बी अपान डेवा आर, क्लियर है ये लिख देंगे और प्लस अब डेवा डब्ल्यू अपान डेवा ऐसे ही रहेगा और डेवा थीटा अपान डेवा एक्स को आई चुका है पहले से ही माइनस साइन थीटा अपान आर और डेवा डब्ल्यू अपान डेवा थीटा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, लिखते जाना है, अब डेवा यू अपान डेवा आर है ना, इसकी वैल्यू सी आर इक्वेशन से वन अपान आर कॉस थीटा बाहर है वन अपान आर डेवा भी अपान डेवा थीटा और प्लस का आई डेवा भी अपान डेवा आर का आएगा माइनस तो माइनस हो जाएगा वन अपान आर मतलब आई अपान आर है ना और डेवा यू अपान डेवा थीटा
और माइनस का साइन थीटा बाई आर और डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलने वाला, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई ना कुछ समय पहले गुणा भाग करके एकदम सिंपल कर लीजिए आप, तो यह हो जाएगा आपका कितना कॉस थीटा बाई आर और डेवा भी अपॉन डेवा थीटा और माइनस का आई कॉस थीटा है ना बाई आर डेवा यू अपॉन डेवा थीटा और माइनस का साइन थीटा बाई आर और डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा। देखो हमको पहले एक चीज तो कंफर्म कि माइनस का आई बाई आर सब में से चाहिए करना है, देखो बाहर है ना माइनस आई बाई आर, पहले उसको बाहर कर लेते हैं। तो पहले सब में से माइनस का आई बाई आर कॉमन कर लेते हैं, माइनस का आई बाई आर सब में से कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से जब माइनस आई बाई आर कॉमन करोगे क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, है ना आर तो निकल गया है ना, क्या मिल जाएगा आपको है ना माइनस कॉमन कर रहे हैं तो माइनस का आई बोलो कॉस थीटा और डेवा भी अपॉन डेवा थीटा यही ना, सॉरी माइनस वन अपॉन आई हो जाएगा माइनस वन को आई स्क्वायर कर लेंगे है ना, फिर माइनस वन को चलो रिगार्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें दिखाएगा कि ये माइनस वन को हटा रहे हैं। अब माइनस वन को हटा के वहां लिख देना आई स्क्वायर, और डायरेक्ट कोई यहाँ से दिक्कत नहीं कि हाँ डायरेक्ट आई स्क्वायर कहाँ से आ गया। अब फिर देखो एक काट भी रहे हैं यह आई है ना, अब यह वहां से तुम बारी बारी से आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट लिया आ गया, ये काम खत्म हुआ भैया। अब यहाँ से माइनस आई बाई आर कॉमन करेंगे आप है ना, तो हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा और डेवा यू अपॉन डेवा थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस है ना, और यहाँ से वही हल कर रहे हैं है ना, आर तो बाहर हो गया है ना, तो माइनस तो भी बाहर हो गया तो प्लस हो जाएगा है ना, और फिर वही हाल बटे आई जाएगा वन अपान आई, वन अपान आई और क्या साइन थीटा ना और डेवा डब्ल्यू अपान डेवा थीटा, बोल दिया समझ आ रही सबको। तो ये कुछ ऐसे कर ले समीकरण काम किए हैं दिया हो गया। अब देखो हमको चाहिए क्या, हमको डेवा डब्ल्यू अपान डेवा थीटा चाहिए, पहली बार यहाँ से डेवा डब्ल्यू अपान डेवा थीटा वो हाँ वो कैसे मिलेगा, वो हमको चाहिए डेवा यू अपान डेवा थीटा प्लस आई डेवा बी अपान डेवा थीटा, तो हम यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, देखो क्यों मिटा रहे हैं है ना, तो जाएगा क्या मालूम है कॉस थीटा कॉमन करने को मिल जाएगा ब्रैकेट में डेवा यू अपान डेवा थीटा प्लस आई डेवा बी अपान डेवा थीटा और देखो कॉस थीटा कॉमन हो गया जी सर, बोलिएगा। अब इसके बाद इसको लिखेंगे डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा क्यों बढ़ाएगा ये हमें दीजिए जरा नगर को जाएगा माइनस आई बाई आर और डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा बोलिएगा और कॉस थीटा और प्लस का, अब देखो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तब बसंदारी इसको कर दूं माइनस का आई स्क्वायर, अच्छा माइनस का आई स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा प्लस का वन और आई साइन काट भी देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का आई साइन थीटा बोलिएगा और डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा, क्लियर है। और ये ब्रैकेट है आपका ये बाहर है ना इतना माइनस आई बाई आर, अब हम क्या कॉमन कर लेंगे डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा तो माइनस का आई बाई आर और जब डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा कॉमन करेंगे मिलेगा कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा इसी पावर माइनस का आई थीटा हो जाएगा डेवा डब्ल्यू अपॉन डेवा थीटा, इसका मतलब मिल गया डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस का आई बाई आर e टू दी पावर माइनस का आई थीटा डेवा डब्ल्यू अपॉन ये फॉर्म। जल्दी जल्दी छापिए से करता रहूंगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे बेटा अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके सामने दिख सकते हैं और कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, क्योंकि मुझे इस सब बातों पर ध्यान देना है कि आप लोगों को एमसीक्यू लेना है ठीक है, तो कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं है
ठीक। ऐसे केस में कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन fz इज इक्वल टू z टू द पावर 6। दूसरा ऑप्शन fz इज इक्वल टू 1 अपॉन z टू द पावर 4 और ब्रैकेट में लिखा है z इज नॉट इक्वल 0। तीसरा ऑप्शन fz इज इक्वल टू log r और प्लस आई थीटा, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या मास्टर? निधान पहुंच गया। वन अपान जेड माइनस वन का क्यूब और जेड इज नॉट इक्वल टू वन। एक और ऑप्शन दे देते हैं ई एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपान जेड माइनस 1 का क्यू, ठीक। ये 100% जहां तक मेरा मन कह रहा है कि 100% आपको ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, 100% मिलेगा आपको। ऐसे चार पांच फंक्शन दे देगा अब बोले आप कौन एनालिटिक नहीं है, है ना। तो आप क्या करेंगे इसमें? पहला पॉलीनोमियल है वो, है ना। इसमें क्या दिमाग लगाएंगे आप लोग, क्या 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 दिमाग लगा सकते हैं और आसानी से करने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे आप? यानी ट्रिक कुछ नहीं होता, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे आसानी से करने के लिए, तुरंत कर लें। मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मेन आपको यही है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मेन आपको यही देखना। कंटिन्यूअस होने से कुछ नहीं देखने की जरूरत है, डिफरेंशिएबल होगा कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल, जैसे आपको आपको याद रखना चाहिए कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल है, बस हमारी है। मतलब कंटिन्यूटी चेक करके आप नहीं कर सकते कि फंक्शन एनालिटिक होगा। हाँ, डिफरेंशिएबल चेक कर लिए, डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी होगा, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, वैसे फंक्शन का एनालिटिक बोलते हैं, है ना, और सिंगल वैल्यू हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ए आपका एनालिटिक होगा, है ना, ये डिफरेंशिएबल है। अगर आप वैसे भी देखोगे तो कई तरीके समझ सकते हैं। हमारा जो तरीका है कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड प्लस है ना जेड नॉट माइनस का एफ जेड अपान जेड नॉट, ऐसा जो भी है जो फार्मूला हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के है, जैसे हम लोग चेक करते हैं फिर इंटर लेवल पे कि कौन सा फंक्शन अवकलनीय है कौन सा नहीं है, तो लगा के सॉल्व करते थे ना हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, वो चीज यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे करके ले सकते हैं सिंपल। क्योंकि हमको एमसीक्यू करना है तो हमको इस नौटंकी में नहीं जाना है, हमको करना क्या है, हमको किसी तरीके से अपने ऑप्शन को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ये देखो ए इजीली डिफरेंशिएबल है, समस्या दूर हर एक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है, ए भी डिफरेंशिएबल हो जाए। कोई भी आर इक्वल लॉग आर, आर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग आर मतलब वही हाफ आगे आ जाएगा, है ना, 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा मतलब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो वाई एक्स में है तो जेड एफ जेड मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू के एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में क्या दिक्कत है, है ना। अभी तो कर ही रहे थे ये सब, क्या कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में वही तो कर रहे थे। तो ये भी डिफरेंशिएबल कर डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसा भी कोई फंक्शन है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे दिक्कत थी हटा दिया, लेकिन यहाँ पे 1 पे दिक्कत है लेकिन नहीं हटाया, तो हियर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 1। यस सर, फर्स्टली तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट जेड इक्वल टू 1, फंक्शन डिफाइन नहीं है इक्वल टू 1 से, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत दूर की बात थी, बस हमारी है ना। तो जेड इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, इस डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट जेड इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, मैं कर दोगे, लेकिन जब जेड इक्वल टू 1 की बात आएगी मैटर फंसेगा, क्योंकि अपान में जेड माइनस 1 आएगा फिर आपके सामने, जेड इक्वल टू 1 पे वहां पे डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर तो माइनस का 2 अपान एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर यही ना आएगा,
इस वाले क्या आएगा, माइनस का जो डिफरेंशियल माइनस का 2 अपॉन जेड माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो आएगा इसका डेरिवेटिव। अब जेड इक्वल टू 1 पे क्या होगा, अब एग्जिस्ट भी करेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर किसी एक भी पॉइंट पे मैटर फंसा तो नॉट एनालिटिक कर देंगे यार, बस मारी है ना, इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बस मारी ये चीज है। तो ये आपका तुरंत आप इस ऑप्शन को टिक मारेंगे, काम खत्म कर देंगे। देखो कॉन्सेप्ट कुछ इधर-उधर हो सकते हैं, उसका बहुत क्लियरिटी ना आए हो आया हो, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हमें सही ऑप्शन को टिक करके निकलना है। वहां आपको समझाना नहीं किसी को, नहीं तो करके दिखाइए फिर आप वन बाई वन लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसा करके दिखाइए, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करा के दिखाइए, है ना, अभी आपके पास है ये सब तमाम कुछ चीजें, तमाम ऑप्शन आप लगा लीजिए। लेकिन ये है कि हम आसानी से तुरंत कैसे कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको हमेशा यही पहले यही चीज देखिए आप, इस पर नॉट एग्जिस्ट है ना वो निश्चित। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एनालिटिक हियर, अब देखो दिया है जेड क्यूब, जेड क्यूब होगा कि नहीं होगा, मैं पहले चार ऑप्शन देता हूँ, होगा नहीं होगा बाहर में गया, अपने से दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, क्या जेड प्लस जेड बार ठीक है ना, और ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई ठीक है, और वन अपान वन माइनस जेड और मॉड जेड का स्क्वायर कौन सा, वन अपान वन माइनस जेड के निकलिए, काम खत्म, काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बहुत कुछ ज्यादा नाटक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो देखिए किस पर वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, बस अगर है जो फंक्शन ऐसा मिल पा रहा है बस वही फंक्शन में काम टिक मारिए निकल जाइए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, आपके लेवल पे आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्योंकि कंप्लीशन में प्लान फंसाएगा, हो सकता है ऐसे कई चीज मिल सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें तक हो सकता है वहां पे, है ना, वहां कुछ भी गुंजाइश बन सकती है, लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे जो आपको करना है आपके एग्जाम में उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसी पैटर्न में मार देंगे वो 100%। ये मैं अंदर से मन कर रहा है, और मैं ऐसा कुछ करता है तो गलत नहीं होता आता है मुझसे, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% एक को दिखाई देगा, 100% आप लिख लीजिएगा, है ना, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना। और साथ ही साथ आपको यही करना होगा, बस देखिए किसको डिफाइन नहीं, बस इतने देखिएगा, टिक मारिएगा, निकलिएगा, कुछ सोचिएगा मतलब, ठीक है, बस मारी है। और आगे बातें फिर धीरे चलती जाएंगी, और मैं बताते जाऊंगा कहाँ से क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। रिटर्न के लिए अगर आपको बहुत तैयारी करनी है तो आप अगर मान लीजिए आपको या जिनको यह है कि उनको रिटर्न केवल एग्जाम देना है और हमको एमसीक्यू पे एकदम फोकस भी नहीं करना है, जो पुराना वाला लेक्चर वही रिवीजन मार देगा पूरा, है ना। तो कम में भी लिखवाया हूँ और खाली रिटर्न के पर्पज से ही लिखवाया हूँ, कम में लिखवाया हूँ, बहुत ज़्यादा उसको लेंदी नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चीजें बातें होंगी, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, हाँ जो भी आप संसद आपको मैट्रिक स्पेस का भी मिल जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, चलिए वो सब चलते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए क्वेश्चन की थ्योरम के रूप में, इफ एफ जेड बराबर, अब आप एमसीक्यू वाले इस स्टेटमेंट में भाग में से रखेंगे, कुछ नहीं करना है उनको। इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी इज एन एनालिटिक फंक्शन, If fz बराबर u plus iv is an analytic function, is an analytic function in domain capital D, in domain capital D, in domain capital D, prove that the curves u बराबर constant, U बराबर कांस्टेंट, V बराबर कांस्टेंट, फॉर टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज, फॉर टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज, फॉर टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज। बात समझ आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अब वो बोला है उसमें पहले एक बार तो कंफर्म बोल दिया है कि यह रिजल्ट बराबर यू प्लस आई भी इज एन एनालिटिक फंक्शन, मतलब उसने बोला है
कि fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, fz इज एन, fz बराबर क्या होता है u plus ib इज एन एनालिटिक फंक्शन, उसने बोल दिया है कि यह एनालिटिक फंक्शन है, बोलिएगा। तो अगर एनालिटिक फंक्शन है देन इट नेसेसरी सेटिस्फाइज द CR इक्वेशन, ये तो कंफर्म है कि अगर एनालिटिकल CR इक्वेशन कंफर्म सेटिस्फाई करेगा तो देन ux इज इक्वल टू vy एंड ui इज इक्वल टू vx माइनस का vx, ये आपको जरूर दिखाई देगा, कंफर्म। अब क्या है, गिवन है कि भैया u जो xy का फंक्शन होता है बोला है कांस्टेंट, मान लीजिए कांस्टेंट मान लीजिए c1 हो गया है ना, एंड भी ये जो एक्स वाई का फंक्शन है ये भी कांस्टेंट है, मतलब मान लीजिए c1 वेयर c1 एंड c4 बोथ आर द कांस्टेंट। अब बोला कि अगर ऐसा है तो दोनों कर्व जो है ऑर्थोगोनल फैमिली बनाएंगे, इसका मतलब समझ रहे हैं, ऑर्थोगोनल फैमिली वो फैमिली होती है जिसके जिस फैमिली में कोई दो कर्व उठाए तो वो दोनों कर्व एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करे, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे, दोनों का जो M1 M2 का मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट -1 आएगा, इसमें आपको दिखाई देगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो देन ये दिया है देन DU बराबर 0 बोलिए एंड DV बराबर 0, U बराबर कांस्टेंट है तो U को डिफरेंशिएट कर दो 0 हो जाएगा। अब DU का मतलब क्या, DU का मतलब जो टोटल में देवा U अपॉन देवा X DX और प्लस देवा U अपॉन देवा Y DY, क्योंकि U इज द फंक्शन ऑफ X एंड Y, देन DU बराबर देवा U अपॉन देवा X DX पर DU अपॉन DY देवा सॉरी देवा U अपॉन देवा Y DY बराबर 0, ये होता है टोटल का मतलब। DU बराबर 0 मतलब U XY का फंक्शन अगर है तो DU का मतलब ये चीज होता है, वही हाल यहां में भी है ना, देवा V अपॉन देवा X DX और प्लस का देवा भी अपान देवा वाई भी ये भी बराबर जीरो, ठीक है ना। अब यहां से बेटा क्या करेंगे, अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, अब जानते हैं जो ग्रेडियंट होता है डीवाई बाई डीएक्स लिखते हैं वही तो एम1 बोलते हैं, एम1 वही होता है, तो यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स का मान निकाल लेते हैं, इस पूरे पूरा ट्रांसफर कर देते हैं तो डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, है ना, इस पूरे पूरा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो माइनस का डेवा यू अपान डेवा एक्स और डेवा यू अपान डेवा वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान, क्योंकि पहले कर्व का है तो यहाँ से एम वन बराबर मिल जाएगा, है ना, मतलब इसी को बोल देते हैं एम वन क्या करना है, यही बोल देते हैं, ये एम वन हो गया। उसी सेम पैटर्न पे भाई क्या अंतर, खाली यू जगह भी है, सेम पैटर्न पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा एम टू बराबर dy by dx यहाँ भी और माइनस का डेवा भी अपान डेवा x और डेवा भी अपान डेवा y है ना। नाउ अब गुणा कर दीजिए दोनों कर्व के लिए, भैया ऑर्थोगोनल फैमिली में अगर उनके अगर है ना सदस्य होंगे तो दोनों के m1 m2 दोनों के ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 आना चाहिए, तो m1 into m2 निकाल लेते हैं, m1 into m2 तो माइनस का डेवा u अपान डेवा x डेवा u अपान डेवा y मल्टीप्लाइड बाय माइनस का डेवा v अपान डेवा x और डेवा v अपान डेवा y, है ना। अब हमारे पास वो पड़ा है CR इक्वेशन, हमारा fz एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन आपके पास है, तो डेवा u अपान डेवा x स्थान पे डेवा v अपान डेवा y ये इससे कट गया, है ना, और डेवा u अपान डेवा y के स्थान पे ये पूरा पूरा इससे कट गया, लेकिन ये माइनस बच गया, ये देखो माइनस के साथ पूरा कट गया क्योंकि माइनस के साथ बराबर है ना, यानी कि माइनस प्लस हो गया, नहीं ये पूरा इसके साथ इतने के साथ कट गया, अब खाली बचा माइनस का 1, इसका मतलब m1 into m2 is equal to -1, इसका मतलब दोनों कर्व है ना ऑर्थोगोनल फैमिली के कर्व है, बस हो गया काम खत्म, नोट कर लीजिए। Constant v equal to constant, then m1 into m2 बराबर 0, m1 into m2 बराबर -1, ऐसे करके दे देगा तमाम, m1 बराबर 1 अपान m2 करके ऐसे दे देगा, तो आपको अगर पता है कि नहीं भी अगर दो कर्व हैं fz बराबर u plus ib अगर एनालिटिक है तब बातें होंगी, तब कटेगा, अगर fz बराबर u plus ib एनालिटिक है और u बराबर कांस्टेंट v बराबर कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि आप दोनों फैमिली बनाते हैं, अगर आपके है तो आपको जब तुरंत आ जाएगा m1 / m2 = -1।
ठीक है, तो M1 M2 तो कोई क्वेश्चन है ना तो ये आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो आपको एकदम फिक्स जब ये दिख जाए M1 M2 वाला बस तुरंत मार दीजिएगा M1 घड़ी M2 का माइनस है। अब अगला जो थ्योरम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी पहले ही, ठीक है, लेकिन अब उसी का हम लोग यहाँ पे उसके खास प्रूफ भी देख लेते हैं। लाप्लास, हाँ यस, लाप्लास हार्मोनिक फंक्शन वाला कंडीशन यहाँ पे हो गया भैया, तो में लिखिएगा आप लोगों के लिए हर थ्योरम का स्टेटमेंट ही क्या है आप लोगों के लिए अर्थ लिखिएगा, साइड में लिखवा देते हैं। देखिए इफ एफजेड बराबर यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, इफ एफजेड बराबर यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड बराबर, इफ एफजेड बराबर यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई देन यू एंड वी, then u and v both are harmonic functions, then u and v both are harmonic functions, बड़ा इंपॉर्टेंट है, then u and v both are harmonic functions, करें कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट है ना, और कंपटीशन एग्जामों में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। उस दिन मैंने एक हल्का सा बताया था क्वेश्चन आपको कि जब भी आपको ये चेक करना है कि देखो दो इसको दो जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फंक्शन दे दिया है उसको एनालिटिक चेक करना है तो सीआरई क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, वो उसके द्वारा भी चेक कर सकते हैं है ना, कन्फर्म सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हाँ है ना, अब एनालिटिक है तो सीआरई क्वेश्चन सेटिस्फाई तो कन्फर्म करेगा, बट अगर कोई फंक्शन कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन केवल सीआरई क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है तो उससे आप कन्फर्म नहीं बता सकते कि वो एनालिटिक है कि नहीं है, ध्यान आपका हमेशा होना चाहिए। मैंने आज एक बताया था कि कन्वर्स वाला यूज करेंगे बहुत विशेष का ज़्यादातर, कन्वर्स वाला यूज क्या करेंगे अगर अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो गारंटी एनालिटिक नहीं होगा, सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं कि एनालिटिक वर्क नहीं होगा, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो गारंटी एनालिटिक नहीं होगा, तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करेंगे आप, ठीक है। अगर अब उसके बाद इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शन एफजेड बराबर यू प्लस आई वी के, भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ना यू प्लस आई वी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, अगर आपको यही आसान लगे तो उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, अगर दोनों है ना लाप्लास इक्वेशन, देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है लाप्लास इक्वेशन 100% सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, भाषण मारी है ना, जो जो एनालिटिक फंक्शन होगा वो लाप्लास इक्वेशन 100% सेटिस्फाई करेगा, ये एकदम फिक्स होना चाहिए, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जरूरी नहीं कोई एनालिटिक होगा, लेकिन अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया उसका यू भी ना तो वो एनालिटिक होगा, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। और इसका इस्तेमाल और जगह कर सकते हैं, यू दिया है भी निकालना है, भी दिया है यू निकालना है, पता करना है कि भाई यू दिया है भी बोला निकालिए, तो मैं बताऊंगा मेथड कैसे निकालते हैं, लेकिन बोल यू दे दिया बोला भी निकालिए, भी दे दिया बोला यू निकालिए है ना, तो हम उस अपने जो नियम कानून है उससे भी जो हमले तरीके हैं उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट आपको कम समय में करना है तो हम इस लाप्लास का यूज कर लेंगे, भी वैसे यू दिया है भी निकालना है, भी वही होगा है ना जो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा है ना, लेकिन आगे लिखा होगा ऊपर कि एफजेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड यू इज दिस एंड देन फाइंड भी है ना, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज भी, ऐसे ही बोल सकता है। तो आइए देखिए इसे बात करते हैं हम लोग, तो सिंस यहाँ पर एक चीज को दिया है कंफर्म कि एफजेड बराबर यू प्लस आई भी इज एनालिटिक, ये तो दिया है इज एन एनालिटिक फंक्शन दिया है ना, यह चीज इज एन एनालिटिक फंक्शन ये चीज दिया है, देन तो अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो देन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यू एक्स इज इक्वल टू बी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस का भी है, देख देंगे देन इट सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं इस वाले को, ठीक है। अब देखो कराए कि अगर ऐसा है कि एफजेड बराबर यू प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है देन यू एंड वी बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन है या बोथ आर हार्मोनिक, तो कोई फंक्शन हार्मोनिक होता है इसका मतलब क्या, अगर एफ इज हार्मोनिक मैं आपको लिखवा चुका हूँ इसको है ना, कि अगर यह हार्मोनिक है देन यह सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन, जो डेल टू एफ इज इक्वल टू जीरो मींस डेवा टू एफ अपॉन डेवा एक्स टू प्लस डेवा टू एफ अपॉन डेवा वाई टू बराबर, तो अगर ये आपको प्रूव करना है कि यू एंड वी
बोथ।